दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह, हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन सिंह टेक्नीशियन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक थर्स्टर का रिपेयरिंग कैसा किया जाता है, जो हमारे ईओटी क्रेन में ये थर्स्टर यूज किया जाता है उसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं, उसके बारे में आज लोग आप लोगों को बताने वाला। दोस्तों, ये इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक थर्स्टर है, ये देखिए 34 केजी का है, 415 वोल्टेज और 3 फेस। इसका एम्पियर है 0.40, ठीक है। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। खोल लिया, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। ये ईओटी क्रेन में यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसका कॉइल चेक कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है। इस तरह से ओम में कॉइल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए 117.9 और ये लास्ट में 118.0, वही आसपास में आ रहा है 0, ठीक है। यहाँ से आयल को निकाला जाता है, ये देखिए थर्स्टर के नीचे भाग को से इसका आयल को निकाल दे रहे थे। ये ट्रांसफार्मर आयल होता है, ठीक है, जो हाइड्रोलिक में इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक में इसको यूज किया जाता है थर्स्टर में, ठीक है। ये यहाँ से इन किया जाता है, इसे बंद करके, ठीक है, ऊपर से इसको ऑयल डाला जाता है। इसको निकाल रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है इसको देखेंगे, ठीक है। ये हमारा थर्स्टर चल तो रहा है मोटर, मगर उठा नहीं पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है चलो आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं खोल लेता हूँ फिलहाल, तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए चारों तरफ बोल्ट लगा रहता है, चारों तरफ बोल्ट रहता है, स्क्रू सिस्टम भी दिया रहता है, स्क्रू ड्राइवर से आप खोल सकते हैं, प्लस हम लोग पानर से भी आप लोग खोल सकते हैं, ठीक है। पानर से खोल रहे हैं, तो मैं खोल लेता हूँ तब आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उसको मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और बोल्ट बचा है, इसको भी खोल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये चारों बोल्ट हमारा खुल, चारों तरफ का बोल्ट खुल गया हमारा, ठीक है। ये देखिए 8 बोल्ट रहता है, इस तरह से उठा लीजिएगा इसको ऐसे, ये देखिए खाली इसमें ऑयल भरा रहता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल इसमें रहता है, इसमें खाली ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है जो हम अभी निकाले हैं, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोलिक का काम करता है, ठीक है। हम इसको खोल लेते हैं इसके कवर को, ठीक है। ये
ये प्रेशर कवर है, जो कि प्रेशर जब हाइड्रोलिक काम करता है तो ये प्रेशर ऊपर की तरह छीटा मारे, इसलिए इसको दिया जाता है। ये हमारा एम्पुलर का कवर है। ठीक, अगर हमारा एम्पुलर चलता है तो ऑयल को बाहर ना छींटा मारे, इसलिए दिया जाता है इसको। ठीक है, हमारा एम्पुलर ये देखिए, ये हमारा एम्पुलर ये देखिए, यहाँ से सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट को पकड़ लेते हैं और इसको घुमाते, देखिए हमारे एम्पुलर ये फ्री हो गया है। ये देखिए बोल्ट भी घूम नहीं रहे, ये खाली माउस कर रहे, हमारा खाली एम्पुलर ये सॉफ्ट के साथ में घूम नहीं रहे। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम यही था कि हमारा एम्पुलर ये फ्री हो गया है, इस कारण से हमारा ये थ्रस्टर काम नहीं कर रहा था। ठीक है, इसमें और भी प्रॉब्लम आता है, जैसे कॉइल जल गया या ऊपर का सील लीकेज कर गया। चलो आगे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए हम इसको खोल लेते हैं, उधर पकड़ना पड़ेगा खोल के। ठीक है, ये देखिए पूरा फ्री है, तो हम इसको ऊपर तरफ खोल लेते हैं। ठीक है, तरह से खुल जाता है, इधर से इलेंकी से खुल जाएगा ये रॉड, इस रॉड के द्वारा ये हाइड्रोलिक का काम करता है। ठीक है, ये प्लेट हाइड्रोलिक प्लेट को ऊपर नीचे ये रॉड की सहायता से उठता बैठता है। ठीक है, ये इलेंकी से इस तरह से इसको खोल लेते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसका खोल के दिखाता हूँ, इसका एम्पुलर का भी रिपेयरिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा एक प्लेट हमारा हाइड्रोलिक का काम करता है। चलो हम ये ऊपर कॉइल लगा हुआ है दिखा रहा हूँ आपको, चलो खोल के मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि इसका कॉइल कैसे रहता है। ठीक है, इसका मोटर का कॉइल दिखा दे रहा हूँ, चलिए आपको खोल के। देखिए इस तरह से ये हमारा ऊपर का चारों बोल्ट खुल गया। अब इसके कवर को खोलना है, ध्यान से इसमें कॉइल है मोटर वाला, इस तरह से ये कॉइल ऊपर में ये वायरिंग लगा हुआ है ऊपर में। ये देखिए ये कॉइल है हमारा मोटर का कॉइल है, इस तरह से ये वायरिंग है, इसमें ये फिट हो जाता है। ठीक है, हम ये बीच वाले मोटर का नीचे वाला चार बोल्ट खोल लेते हैं इसको, साफ पकड़ते नहीं बन रहे ना एम्पुलर को खोलने के लिए, इसलिए इसको खोलना पड़ेगा। देखिए हमारा खुल गया, और ये पेचकस से पकड़ लिए, और ये हमारा इस तरह से ये हमारा नट खुल गया, और ये आसानी से हमारे एम्पुलर ये देखिए एम्पुलर बाहर आ गया। ये देखिए इसमें ग्रुप रहता, हाफ ग्रुप रहता है। ये देखिए साफ्ट में, ये देखिए हमारे ये एम्पुलर पूरा
फ्री हो गया है, पूरा गोल हो गया है, ठीक है। और इसमें देखिए हमारा शाफ्ट में हाफ राउंड है, देखिए इस तरह, देखिए पूरा गोल हो गया। इस कारण से ये इसका ग्रुप फ्री हो गया है, ये देखिए इस तरह से पूरा घूम जाता है। ये देख पा रहे हैं, ये मोटर इस राड को घुमाता है। ये हमारा ऑयल सील है, ये खराब होने के कारण हमारा प्रेशर कम बनाएगा। यहाँ भी सील लगता है, ये दोनों साइड में सील लगता है राड के साथ में, ठीक है। चलो मैं इसको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह ऑलरेडी हम बना लिए हैं, या आप नया भी ले सकते हैं, रेडीमेड मार्केट में मिलता है, ठीक है। इसको चलो मैं फिट कर देता हूँ फिर, ठीक है। इस तरह से बोर्ड लगा के मैं आप लोगों को फिट करके दिखा रहा हूँ। अभी खोलते वोल्ट, 4 वोल्ट को टाइट कर देंगे अच्छे से। देखिए ये इसी के द्वारा हमारा ये प्रेशर बनाता है, हाइड्रोलिक प्लेट है ये। मोटर का कवर का ये स्क्रू लगा दे रहा हूँ चारों, ठीक है। इस तरह से हमारे ये मोटर का कवर भी टाइट हो गए। अब हम एम्पलर का लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए हम एम्पलर पहले से बना, उसी को रिपेयरिंग करके रखे हैं, ठीक है। अब हम इसको लगा के देख लेते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा एम्पलर लगा दिए। अब इसको नट से टाइट, नट को टाइट कर देंगे इसका। इस तरह से पहले क्या हुआ तो माउस कर जा रहा था ना हमारा एम्पलर, अभी ग्रुप है इसलिए हमारा ये एम्पलर घूम नहीं रहे, ठीक है। आसानी से हमारे ये नट टाइट हो जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा टाइट हो गया, इसको हल्का ढीला कर देते हैं और बाहर ले लेते हैं एम्पलर को।
गया फ्री, ठीक है, इसको हल्का टाइट कर देते हैं इस तरह से, ये हमारा टाइट हो गया इस तरह से। अब हम इसको सेट करके दिखा रहे हैं पूरा इसका कवर। ये हमारा ये प्रेशर वाला है, तब ये एम्पलर घूमता है तो हमारा ऑयल बाहर ना छींटा मारे, इसलिए इसको लगाया जाता है। जब भी हमारा मोटर चले तो इसी के अंदर ऑयल रहे। इसका कवर लगा दे रहे हैं, एम्पलर का कवर है ये। बीच में ये कवर लगता है हाइड्रोलिक प्लेट के ऊपर में, सील लगता है, ठीक है, इसको एलंकी से ये टाइट हो जाता है इस तरह से। ये हमारा हाइड्रोलिक प्लेट है, ये है, यही हम हमारा हाइड्रोलिक का काम करता है यही प्लेट, जो ऑयल को प्रेशर बनाता है ऑयल के द्वारा। ये देखिए इस तरह से हमारा ये मूविंग करता है, ये हमारा हाइड्रोलिक प्लेट, ठीक है, ये हमारे स्प्रिंग में ये यहाँ से ऊपर असेंबली में कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ऊपर साइड में। बस ये देखिए इस तरह से मूविंग करता है इसको। चलो मैं लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर सेट कर देता हूँ इसको। ये देखिए इस तरह से ये होता है, ठीक है, देखिए इस तरह से ये फिक्स जाता है ये, ठीक है, इस तरह से ये फिक्स जाता है। तो इसका नट बोल्ट फिर से लगा के दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, पूरा नट बोल्ट लगा के बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है।
देखिए इस तरह से हमारा ये नट बोल्ट टाइट हो गया। अब हम इसको नीचे वाला आयल जो निकाले थे उसको बोल्ट को लगा देंगे। फिर इस लगा के ये देखिए हमारे ये नीचे वाला जो बोल्ट खोले थे उसको आयल वाला, इसमें से ये हमारा ट्रांसफार्मर आयल है कि जो हम पहले निकाले थे वही आयल है, ठीक है। ऊपर से इसका डाल देते हैं, ठीक है। ये हम पहले से डाल चुके हैं, उसके बाद हम आप लोग कनेक्शन करके इसको चला के दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है, कि लोड लेता है या नहीं, ठीक है। तो चलो मैं इसको सेट कर लेता हूँ, तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये लोड ले पाएगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग एम्पुलर को रिपेयरिंग करके लगाए हैं। हम लोग पास नया एम्पुलर नहीं था, इसलिए हमको रिपेयरिंग करना पड़ गया, ठीक है। मार्केट में एम्पुलर मिलता है या इस तरह से ही आप रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, ठीक। ये चलो ये देखिए कंप्लीट हो गया है ये हमारा। इस तरह से इसको हम टेस्टिंग करके देखेंगे, ठीक है, ये उठ रहा है कि नहीं, कितना लोड ले पा रहे हैं, देखिए, ठीक है। ये हमारा थर्स्टर कंप्लीट हो गया है, ये देखिए ये हमारा लोड ले लिया है, ये 40 केजी है, ये गैर इसके ऊपर में रख दिए हैं, ये देखिए 40 केजी का गैर उठा ले पा रहा है। अब ये बंदा देखिए इसको उठा पा रहा है कि नहीं, ये देखिए इसको भी उठा दिया, तो हमारा ये एम्पुलर सही है, ठीक है, काम कर गया, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए हमारा ये ब्रेक भी ये असेंबली में काम करता है, देखिए इस तरह से हमारा ब्रेक को भी उठा पा रहा है ये देखिए थर्स्टर हमारा ये इस तरह से सक्सेस हो गया। देखिए हमारा रिपेयरिंग वाला एम्पुलर का जो थर्स्टर के अंदर दिखाए थे वो हमारा काम करने लगा, इसलिए हमारा थर्स्टर अभी उठ रहा है। फ्री था तो हमारा थर्स्टर नहीं उठा पा रहा था, ठीक है। इस तरह से ये हमारा थर्स्टर काम करता है।